campaign. आपका होस्ट गोलगप्पे के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कैसे मुमकिन है कि टॉक शो का प्रोग्राम हो और हम किसी सियासी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदून ना करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हंडिया बनाई जाए और उसमें नमक और मिर्च ना डाला जाए। सो पब्लिक के पुरजोर इसरार पर आज हमने मधु किया है सियासी मैदान की एक मंझी हुई शख्सियत को। बहुत सारी तालियां कहां से डालेंगे हम, सो सिर्फ मेरी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब चौधरी अनीस पप्पा। बंद करो फोन, बंद करके ना यार, मैं आ रहा हूं। बंद करो, किस क्या नाम बुलाया आपने? सर चौधरी अनीस पप्पा। और पूरा नाम लाया चौधरी अनीस पप्पा जहूर। जहूर भूल जाता हूँ। हाँ, और ये क्या मंजी मंजी शख्सियत बोल रहे हो यार? मैं कोई बर्तन में पांडा हूँ कोई कि मान दिया किसी ने मुझे? सर पांडवों का आपने जिक्र कर ही लिया, मेरा मतलब है कि बर्तनों का, तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। सर ये लोटा होता है, ये बर्तन कहलाएगा या कुछ और? देखिए जी, जहां तक लोटे का सवाल है मेरे ख्याल में वो बर्तन ही होना चाहिए, उसका क्या कसूर है? नहीं, दरअसल लोटा प्लास्टिक का होता है ना सर। ओ, प्लास्टिक के तो और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं, और वैसे तो आजकल डिस्पोजेबल बर्तन भी आ गए। तो डिस्पोजेबल लोटे भी आगे होंगे, क्या ख्याल है? यार ये बात समझ नहीं आ रही, तुम तो मेरा तारुफ करा रहे हो, ये लोटा किधर से आ गया? नहीं नहीं सर, वो चलिए छोड़िए इन बातों को। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि मौसूफ ने जब से होश संभाला है, सर होश संभाल लिया वैसे आपने? ओ, कैसी बातें करते हो, मैं तो हर चीज संभाल के रखता हूँ। अच्छा, ये मैं सर आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन उस वक्त नहीं करवा पाया था, तो इसलिए मैंने कहा कि अब आप आ गए हैं तो आपके सामने ये बात हो जाए। हाँ हाँ। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि हजरत सियासत में हैं और माशाल्लाह हर इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। सो आज हमने सरकार को तकलीफ दी है कि दूसरी जो सियासी शख्सियात हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में उनके हवाले से इनसे बात करेंगे। सर आपने वैसे कोई पार्टी नहीं छोड़ी? नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ी, रात भी एक नाइट पार्टी थी, वो भी छोड़नी पड़ी मुझे क्योंकि सुबह इधर आना था। नहीं सर, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई। दरअसल मेरा मतलब है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इनको अपना टिकट दिया, ये इलेक्शन लड़े, माशाल्लाह बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। यार क्या सीनियर लगाया हुआ, वो इतनी सीनियर पॉलिटिक्स थोड़ी है मेरी, जितना सीनियर तो मुझे बना रहे यार। अरे सर 70 साल से जायद का अरसा तो पाकिस्तान को बने हो गया है, तो आधा करो ना उसमें से, आधे में तो साहब लोग भी रहे। लेकिन आपका तो उतना ही हिस्सा होगा ना जितना मैं बोल रहा हूँ सर। और मेरे ख्याल में ये बात छोड़ दो, आगे चलो। सर आपने ज़िया साहब की मजलिस शोरा से आगाज? ओ शोरा नहीं भाई, शूरा, मजलिस शूरा, तूने तो सालों का शोरबा बनाता। आई एम सॉरी सर, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, मगर अफसोस है कि आप जैसा जमहूरी सोच रखने वाला एक आमिर के जेर साए अपने कैरियर का आगाज करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल सर? यार क्या बातें कर रहे हो तुम, ये आजकल जो सियासतदान है जो बड़े फन्ने खान बने फिरते हैं जी जी, और ये उसी नर्सरी का बूटा फूल पौधा गमला सब कुछ वही है। लेकिन सर अब तो दौर बदल गया है, सोच बदल गई है लोगों की। और क्या सोच बदल गई है, अपने घर में एक आम का बूटा लगाओ, उसको पानी शानी दे के जब ऊपर होगा तो उसमें से अमरूद निकलना? नहीं सर। तो फिर चलिए छोड़िए सर, मियां साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है आप, सर कैसा पाया उन्हें? उनके घर जैसा पाया आज तक नहीं खाया। really? मैं शख्सियत का पूछ रहा था उनकी। नहीं मैं तो शख्सियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या कमाल शरीफ आदमी है ना, बहुत अच्छे, मैंने उन ज्यादा शरीफ आदमी नहीं देखा, मतलब इतने शरीफ है कि उनका जो छोटा भाई है वो बड़ा भाई लगता है। क्या मतलब? तो यार उन्हें खाने पीने का शौक जरा मेरी तरह, पहले वो सिर्फ खाने पीने की चीजें ही खाया करते थे। मैं समझा नहीं सर। यार बहुत खोचल आदमी हो तुम, मतलब सारी बातें मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो। देखो जब वो वजीर आला बने थे ना तो उन्हें खुली कचहरी लगाने का शौक हुआ था। क्यों? फिर क्या, क्यों क्या मतलब, वो सारी कचहरियां खुला दी, खुला खुला कर दिया कचहरियों को। हाँ, और जुल्म का ये हाल था कि कहीं जुल्म होता था ना उनके काम देखे तो वो वहां पहुंच जाया करते थे, भाई क्या हो गया, और कभी कभी तो जुल्म से पहले भी पहुंच जाएगा जी। हाँ फुर्सी, हाँ फुर्सी, हाँ समझा करो। नहीं सर देखिए, उनके जो भाई थे शहबाज शरीफ बल्कि हैं, उनमें और मियां साहब में क्या फर्क है? 3 साल का, नवाज शरीफ साहब 3 साल पहले पैदा हुए। नहीं नहीं आप मेरी बात समझे नहीं, मैं सोच के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था,
दोनों की सोच में क्या फर्क है सर? क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो जरा जारहाना मूड के मालिक हैं, और जो छोटे मियाँ साहब हैं शहबाज साहब, वो मुफावती पॉलिसीज बड़ी अडॉप्ट करते हैं। और देखो भाई, ये घर है, उसका एक दरवाजा आगे है, एक दरवाजा पीछे है, ठीक। आप जो मर्जी चाहे दरवाजा इस्तेमाल करें, आप पहुंचेंगे कहां? घर के अंदर। सो आपके कहने का मतलब है कि दोनों अंदर से एक हैं? बाहर से भी एक ही है। दोनों मियां शरीफ के बेटे हैं, ठीक है जी, और कम से कम दोनों के साथ शरीफ नाम लगता है, राइट। दोनों के एक साथ बाल उड़े, दोनों ने एक साथ बाल लगवाए, और फिर और दो दौर है इसके अंदर, एक बाल से पहले, एक बाल के बाद, और उसके बाद भी एक दौर बनता है, असली बाल से पहले, असली बाल के बाद, समझे कि नहीं? सर ये तो उनका जाती मामला है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो हमारी बाल की खाल उधेड़ दें और हम बालों की बात भी ना करें उनके। अच्छा, ये छोड़िए सर। सर मुझे ये बताइए, मरियम साहिबा का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? ओए शुक्र है यार, तुमने मुस्तकबिल की बात की है, लोग तो माजी के पीछे लगे हुए उनके। मेरा मतलब है कि मेरे सवाल का जवाब एग्जैक्टली अभी आया नहीं आपकी तरफ से। नौजवानों को आगे आना चाहिए ना सर, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो यार क्या हो गया तुम्हें? और मरियम बीबी और खान साहब की उम्र में 12 साल का फर्क होगा, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, जैसे अपने बिलावल साहब हैं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। सर सियासत का शादी से क्या ताल्लुक है? तू है कौन यार है? और ये कौन सा एंकर बुलाया भाई? सिलेक्टेड एंकर लगता है मुझे। अरे सर एंकर सिलेक्टेड नहीं होता है, लकीली। अच्छा वैसे एंकरों का इलेक्शन होगा तो जीतेगा कौन? सर जिसको वोट ज्यादा डलेंगे। कैसी मजाइया बात है, मतलब जिसको वोट ज्यादा डलते वो जीतता है? और बस कर दे आप, अब आप बिल्कुल सियासतदानों वाली हरकत कर रहे हैं, कहीं की गुफ्तगू को कहीं लेके जा रहे हैं। ओ भाई इस मुल्क को कहीं से कहीं ले गए लोग, तो गुफ्तगू की बात कर। अच्छा चलिए सर बात आगे बढ़ाते हैं। सर चौधरी शुजात साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, डेफिनेटली आपका बहुत वक्त गुजरा होगा उनके साथ, उनके हवाले से बताइए क्या ख्याल है, कैसा पाया आपने उन्हें? चौधरी साहब का मिजाज जो ना हमेशा ही कुछ सिपाही आना रहा है। सर हमने सुना कि उनसे कोई जनरल डिस्कशन भी करता था तो वो उसकी हमायत का ऐलान कर देते थे। हाँ, क्या बात थी उनकी जी। और सर उनके वालिद भी बहुत बड़े सियासतदान रहे हैं और उन्होंने उनका भी नाम मजीद बड़ा किया है। हाँ हाँ, घर के बाहर ये बड़ा बोर्ड लगवाया है नाम का। सर काफ लीग दिलचस्पी बात है, दो जोड़ियां हैं पंजाब में भाइयों की और दोनों ही माशाल्लाह। यार मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। सर क्या हमारे गांव में ना पंसारियों की दुकानें हुआ करती थी, दो भाइयों की दुकान, दो भाइयों की तो लिखा होता था उसमें, बड़ी बरकत होती थी भाई। सर चौधरी जो शुजात साहब है वो तो गालिबन वजीर आजम भी रहे हैं 3 महीने के लिए। शुक्र अदा करो 3 महीने रहे हैं। सर अभी तो आप उनकी तारीफ कर रहे थे, आप उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं जो बात बताने लगा हूँ ना तो तुम भी शुक्र अदा करोगे। अब मुझे ये बताओ इस वक्त खान साहब की हुकूमत है? जी बिल्कुल है। तो 2 दर्जन तर्जमान है लोगों को खान साहब की बात समझाने के लिए? बिल्कुल है सर। अगर शुजात साहब की हुकूमत लंबी चलती तो कितने तर्जमान लगने पड़ते? वेरी इंटेलिजेंट, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। वैसे आपस की बात है, अगर गूगल पे भी डालेंगे ना उनकी बात तो छोटे मोटे डब्बे ही बन गए, तर्जुमा कोई नहीं आना। सर महताब हुसैन साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए, महताब साहब की सियासत के बारे में क्या कहते हैं आप, कि खत्म हो गई है या कुछ फ्यूचर है? बड़ा वक्त गुजारा है उनके साथ भी आपने, कैसा सियासतदान पाया सर? देखिए जी महताब साहब ने ना तो साबित किया है कि सियासत जो है वो दिल गुर्दों का काम। सर वो कैसे? जब तक कराची रहे ना वो, उन्हें गुर्दों की बीमारी रही है, जहाँ कोई मसला होता था गुर्दे लेके अस्पताल चले जाते थे। लेकिन सर ये तो बड़ी पुरानी बात है, असल सियासत तो उनकी लंदन से शुरू हुई ना जाकर, तो उसमें उनका कौन सा कारनामा है? क्या कह रहे हैं सर? वो कारनामा तो ग्राम बैल कह रहे हैं जिसने फोन याद किया ना, वो फोन याद करता ना वो लंदन से तकरीरें करते, है कि नहीं? अब देखो जब से ये स्मार्टफोन आया है जी बिल्कुल, उनके उरूज का सूरज गुरूब हो गया। सर स्मार्टफोन का उनके जवाब से क्या ताल्लुक सर? कौन आदमी बिठाया यहाँ पे यार, ये कोई लेवल का आदमी तो बिठाओ कम से कम। और इतनी सी बात नहीं समझते, समझा तो करो बात को। देखो स्मार्टफोन से लोग क्या काम लेते हैं सिवाय किसी की बात सुनने और करने की? जी बिल्कुल। स्मार्टफोन से बैंक अकाउंट उसमें होता है, खाना उससे मंगवाना है बिल्कुल,
टीवी उसमें देख रहा है जी, फिल्में उसमें देखनी है जी, खबरें उसमें पढ़नी है जी, और जब इतने सारे काम एक फोन पे करने हैं तो किसी की बात कौन सुनेगा। वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे नहीं बुला लिया हमने चौधरी अनीस पप्पा जहूर साहब। जहूर पता क्या है, जहूर मेरा जहूर हुआ था सियासत में। अच्छा, बस इसलिए लगा लिया। हाँ जी, बस। अच्छा, सर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से बताइए, आपको उनका दौर कैसा लगा? परवेजी दौर था, क्या कहने उस दौर की। वाह, कभी कभी मैं सोचता था अनीस पप्पा परवेज लग रहे था। यकीन करो, जिसका नाम भी परवेज था ना, बाघ लग गए थे उसको। रियली? हाँ, परवेज ही लाई, खुसरो परवेज, पता नहीं केड़े केड़े परवेज लग रहे उन्होंने, और काबीना में लगा दिया उन्होंने। और मेरा ड्राइवर था ना, उसका नाम भी भेजा था परवेज। मैंने नाम चेंज कराया, कहीं ये भी काबीना में ना चला जाए। सर देखिए ना, डिक्टेटर होते हुए इतने लिबरल रोशन ख्याल, और मौसीकी के तो शदाई थे वो। हाँ हाँ हाँ, मौसीकी तो उनके दौर में बहुत फली फूली है, दो चार तो जरा मोटी भी हो गई थी। ना करे सर। और मैंने क्या करना है यार, सारा कुछ उन्होंने ही करना था। और तबला, होई 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 होई, क्या कमाल तबला बजाते थे। चलो अब ये बजाने जाने वाली बात छोड़ो, अच्छे आदमी थे। सर वैसे बात तो होती है आपकी उनसे? यार उनका नंबर मेरे से इतना डिलीट हो गया है, मैं ढूंढूंगा, दूसरे फोन पे होगा शायद। सर जरदारी साहब का तो नंबर? हाय 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 हाय, वो क्या नाम लिया यार, तबीयत गुजार दी तूने। सर उनपे तो करप्शन के चार्जेस हैं। हाँ तो ये तो उन्हीं का दिल गुर्दा है ना, सदर पाकिस्तान रहे जी, रहना चाहिए। देखो देखो, मिन हैसल कौम जो हम लोग करप्ट हैं सारे के सारे, तो सदर पाकिस्तान किसको होना चाहिए। सर आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनको करप्ट भी कह रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, मैं कौन होता हूँ उनको कुछ कहने वाला। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए गोल। उधर इशारा, उधर गोल गप्पे। तुम्हारे को पीने पिलाने का रिवाज नहीं? ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है और आप एक शरीफ इंसान के सामने बैठे हैं। सियासत कैसे शुरू किया था? एंकरी कैसे शुरू की तुमने? ये क्या बात है? वाह, आपकी बात बात हमारी बात क्या बात। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में गोल गप्पे, और देखते रहिए गोल गप्पे। ओए इशारा किधर कर रहे हो? इसे गलती से देखते रहिए गोल गप्पे। वैसे एक बात बताओ। जी सर। आपको अपने कल्चर से प्यार है? जी बिल्कुल है। अपनी रिवायत से प्यार है? जी। तो हमारा कल्चर क्या है? और आज तक जितनी भी तरक्की हुई है इस मुल्क में करप्शन की वजह से हुई है। क्या बात कर रहे हैं सर? अबे यार बात तुझे समझ नहीं आ रही, मैं चौधरी शुजात की तरह बात कर रहा हूँ क्या? देखो मुझे बुलाया ना, तो अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। यहाँ पे जब तक किसी को कमीशन की, ऊपर की आमदनी की फिक्र ना हो तो काम कैसे करेगा? जब उसको कुछ मिलेगा तो काम करेगा। एक काम करो, तुम छोड़ो, तुम जाओ किसी सरकारी दफ्तर में किसी बाबू के सामने बैठो, जब तक जेब ढीली नहीं करोगे काम नहीं होगा तुम्हारा। देखिए सर, खान साहब तो करप्शन के खात्मे का वोट लेकर आए हैं, जगह जगह लंगर खाने खोल दिए उन्होंने। और यह पब्लिक का मसला नहीं रोटी खाने का, रोटी तो मिल जाती कहीं ना कहीं उनको, दाता साहब भी जाओ मिल जाती है। मैंने एक बंदा रखा था, जब मेरा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था ना, तो मैंने उस बंदे को कहा तेरे नौकरी चाहिए, राहत चाहिए, मैं कहा दो टाइम का खाना मिलेगा बेटा तुझे। कहते की काम की करना है? काम कोई नहीं है, दाता साहब जाना, अपना खाना मेरे से लेके आना। घास नहीं डाली ना आपको? मैं गधा को जो घास नहीं डाली है। मैं तो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। गलत गलत मुहावरा है सर, मेरा मतलब है उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं करवाई। चल छोड़ दे इस बातों में क्या रखा है, आगे दूसरा सवाल कर। सर शेख रशीद साहब माशाल्लाह इतने सीनियर हमारे सियासतदान हैं और बड़ा नाम है उनका, वो बेजार नहीं हुए? आप इस तरह की बातें करके मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बेजार हो गए। यार पहली बात तो ये कि मेरा तो सियासत से दिल उठ गया। दूसरी बात ये कि एक फिल्म बनती है ना जब, तो उसमें हीरो भी होता है हीरोइन भी होती है, हीरो का बाप भी होता है या माँ होती है, हीरोइन की माँ बाप भी होते हैं, लेकिन उस फिल्म में एक कॉमेडियन भी चाहिए होता है। क्या मतलब आप शेख रशीद साहब को कॉमेडियन कह रहे हैं सर? यार मैंने फिल्म की कहानी सुनाई, तू कहाँ गए गया? मौलाना फजलुर रहमान साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़े साबित कदम और बड़े मुस्तकिल मिजाज सियासतदान हैं, हालांकि दो हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों से हारे, लेकिन फिर भी बड़े
सरगर्म किस्म के सियासतदान हैं। हाँ जी, असेंबली में नहीं रहे सरगर्म। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो उनसे। बस एक बात है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लगता है कि फातिया पढ़ रहे हैं, और जब वो फातिया पढ़ रहे होते हैं लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सर है वैसे असूल पसंद से। हाँ, बड़े असूल पसंद आदमी है। वैसे अब वो आपके ख्याल में क्या चाहते हैं, कुछ आइडिया दीजिए हमारे व्यूवर्स को। दरअसल अब जो मसला है ना, वो है उनके वजन का। नहीं समझे? नहीं। देखो, उनका वजन इतना हो गया है कि अब ज्यादा देर कुर्सी के बाहर रह नहीं सकते, समझ आई? तो लिहाजा जो भी हुकूमत होती है उनको कहीं ना कहीं बिठा देती है। सर आगे ये बताइए, क्योंकि बल्दिया के इलेक्शंस हो नहीं रहे, तो कहां से आएंगे मजीद सियासतदान? यंगस्टर्स का आगे क्या फ्यूचर है, कोई स्कोप नजर आता है आपको? सर क्रिकेट से आएंगे। अब जितनी सियासत अब क्रिकेट में हो रही है ना, अब सारे सियासतदान वहीं से आएंगे। वैसे भी हमारे काम के सियासतदानों ने से खेल तो बना दिया था, जब भी तो खिलाड़ी की एंट्री हुई है भाई। सर शेख साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि मियां साहब की सियासत जो है वो खत्म हो गई, आपको लगता है कोई वापसी का इम्कान मियां साहब का? ये लाडले लोग है भाई, लाडले लोग जो दिल चाहे वो कह दे, लाड जो हुआ। हाँ ये बात है। वैसे किसको लाडला कह रहे हैं आप, मियां साहब को या शेख साहब को? और शेख साहब की बात, शेख साहब तो मिन्नत तरले में लगे थे, शेखों की बात को सीरियस ना लिया करो, कितने लतीफे मशहूर है उनके। लेकिन सर वो तो लतीफे हैं ना। तो जो भी लतीफे हैं वो सच्चे तो हैं। हाँ ये बात भी है। सर लोगों के हवाले से तो बहुत बातें हो गई, हम कुछ पर्सनल बातें कर ले सर। क्या पर्सनल? सर मेरे मतलब आपकी जात, जात की बात कर लेना, जातियात में ना होना। नहीं नहीं, क्यों आऊंगा मैं? गो अहेड। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सियासत का आगाज एक वर्कर की हैसियत से। बोले बादशाह, सियासत का वर्क से क्या ताल्लुक है? और ये तो शेखुपुरा से आगे एक जटों की एक कबीला है विर्क नाम का। जी जी, उनका अलबत्ता सियासत से ताल्लुक है, मतलब इतना ज्यादा वो है कि वो वर्कशॉप को भी वर्कशॉप कहते हैं। सर दूसरा सवाल, हाल ही में बीए किया आपने? हाँ ये हाल में, एग्जामिनेशन हाल में किया मैंने। नहीं नहीं, वो वाला हाल ही में, मतलब ताजा ताजा बीए किया है। बहुत गरम गरम असेंबली जाने की शौक में बड़ोने कर लिया। जब मैंने किया तो शर्त खत्म हो गई, बेकार ही गया ना सारा बीए। सर सर थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से जानना चाहूंगा मैं। मेरी सारी फैमिली अंडरग्राउंड रही है, यही उसका बैकग्राउंड है। क्या मतलब सर? यार हम रहते थे पहाड़ी इलाके में। हाँ, हमारी पहाड़ी के ऊपर था एक ग्राउंड, तो हम हो गए अंडरग्राउंड और उस ग्राउंड में खेलता था मैं क्रिकेट। हाँ सर, कौन सी क्रिकेट? क्रिकेट जो क्रिकेट होती है, और कौन सी? नहीं सर, क्रिकेट तो बहुत तरह की होती है। एक क्रिकेट वो होती है जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, एक क्रिकेट वो होती है जो क्रिकेटर्स के साथ खेलता है बोर्ड, एक क्रिकेट वो होती है जो क्रिकेटर्स खेलते हैं बुकियों के साथ। इसीलिए तो गोरा कहते हैं सर दिस इज नॉट क्रिकेट। सर आपके वालिद ग्राउंडमैन थे क्या? तो क्या हो गया? वालिद तो मैन होता है, सबको पता है, और वालदा वुमैन होती है। सर अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। और मैं पहला सियासतदान हूं जो इस तरह की बातें करता हूं। वालों को तो उक्का समझ नहीं आती। उक्का? आपका मतलब है बिल्कुल समझ नहीं आती? शुक्र है तुम्हें समझ आ गई ये बात। सर आपको कब ख्याल आया कि दिस इज द राइट टाइम, मुझे सियासत में आ जाना चाहिए? जब मैं MNA बन चुका था। मतलब? मतलब यार, एक तो तुम हर बात का मतलब निकालते हो, बड़े मतलबी इंसान हो भाई। नहीं नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बगैर सोचे समझे सियासत में आ गए। ओ भाई मेरे, सोच समझ एक अलग चीज है, सियासत अलग चीज है, समझ आई? नहीं समझ तो नहीं आई सर मुझे। बड़े अजीब इंसान हो यार, इंसान भी हो गए? नहीं देखिए, मैं तो एक आम सी आवाम हूँ सर। हाँ लग रहा है, बाकी सारा शोशा ही है। आप बता रहे थे मुझे कुछ। अबे यार सब्र करो जरा, एक तो हमारी कौम बड़ी सब्री है, ये बता रहे थे वो बता रहे थे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने आप को देखें और कौम को देखें, कौम तो बहुत साबिर है सर। तो साबिर तो मेरा ड्राइवर है, कौम तो मजबूर है। सर कौम हर दफा आपको मौका देती है, और क्या चाहिए? देखें मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है, सारे सवाल अपनी जगह मौजूद है। पिछले 60 साल से जमहूरियत का सवाल अपनी जगह मौजूद है, अदलिया का सवाल अपनी जगह, तालीम का सवाल अपनी जगह, बेरोजगारी का सवाल अपनी जगह, महंगाई का सवाल अपनी जगह। और भाई ये मुल्क जो है ना, परचय सवालात है, इधर सारे सवालात आउट ऑफ कोर्स आ गए हमारे सामने। पढ़ाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, समझ आई?
लेकिन सर हम आपके कैरियर की शुरुआत के हवाले से बात करें। यार एक तो कैरियर शैरियर की बात ना क्या करें, साइकिल याद आ जाती है मुझे। वैसे तुम्हारे को पीने पिलाने का रिवाज नहीं? ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है और आप एक शरीफ इंसान के सामने बैठे हैं। है और शरीफों की बात छोड़ो भाई, पानी की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा पानी? माशाल्लाह, अब तुम उल्टी सीधी बात कर दो। नहीं सर, मेरा मतलब है कि कौन सा पानी पियेंगे, ठंडा, गर्म, नीम गर्म, मिनरल वाटर, रूम टेम्परेचर पे? कौम को सवाल करता हूँ मैं, कौम से, कि आप किस बात का रोना रोते हैं पानी का? इतनी वैरायटी है पानी की, फिर भी बोलते हैं पानी नहीं। सर हालात तो ऐसे हैं कि आंखों में पानी आ जाता है। मुझे लगता है सर कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत के दिनों के हवाले से बात नहीं करना चाह रहे हैं। फतवा लगा रहे हो मुझ में, क्यों नहीं करना चाहता? चाहता हूँ, करूँगा नहीं। ये भी अजीब बात है सर। तुम्हें हर बात अजीब लगती है, बाहर से आए हो क्या? सर रोज बाहर से ही आता हूँ, इसी दरवाजे से अंदर आता हूँ। मैं भी इधर से आया हूँ, हमें तो सब ठीक लगता है। सर अभी तो आप वजीर नहीं बने, तो आपको ठीक कैसे लगने लगा? नीयत तो कर दी ना वजारत की। चलिए सर, पार्टी वैसे आपकी हार गई है, पता नहीं आपको वजारत मिलेगी कैसे। ओ भाई सियासत में टांग ना उड़ाओ, अपनी एंकरी करो, जो आती है या नहीं आती पता नहीं, तुम्हें क्या पता सियासत क्या होती है। और सियासत में जीत जो है ना वो बाद में आती है, समझ आई? जी सर, क्या ख्याल है, काबीना छोटी होनी चाहिए? काबीना को मेरे ख्याल में गुब्बारे की तरह होना चाहिए, पहली फूंक मारो, फिर फूंक, फिर फूंक पे फूंक, फिर आखिरी फूंक, फूंक पड़ जाए गुब्बारा। अच्छा ये बताइए सर, सियासत कैसे शुरू किया था? एंकरी कैसे शुरू की तुमने? ठीक है बात है। वाह, आपकी बात बात हमारी बात क्या बात। लेकिन सर जब तक आप खुलकर नहीं बताएंगे ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली हमेशा अंडरग्राउंड रहती है। मैंने ये कभी नहीं कहा, अगर कहा है तो मैं उसकी तर्दीद करता हूँ। अगर मैंने इसकी तर्दीद कर दी है तो उसकी तस्दीक कर देता हूँ। मेरी एजुकेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। को एजुकेशन में पढ़ा है मैंने, को एजुकेशन अंग्रेजी की होती है और एक सराइकी भी होती है। क्या मतलब? क्या मतलब, हर बात का मतलब ही होगा। सराइकी का मतलब को नहीं होता, को एजुकेशन। को एजुकेशन यानी कि एजुकेशन नहीं। अब हम लोगों को थोड़ी सी सराइकी भी सीखनी चाहिए बुजदार साहब की वजह से। अरे क्या कहा सर आपने? हाँ पता नहीं, वैसे ही सुल्तानी मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी होती बड़ी चिकनी है। मतलब हम तख्ती वख्ती पे लगाते थे ना, उसके बाद जो दिल चाहे लिखते थे, तख्ता तख्ती जो भी। सर ये क्या कह रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आई क्यों कह दिया मैंने। सर आपके लाशौर में कुछ है जरूर, बताइए ना सर आप अपने तालीमी जिंदगी के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताओ। एक बार फिर बोल। सर बताइए ना अपने तालीमी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। मैंने प्राइमरी में दाखिला लिया क्या दिलवाया गया था, फिर हाई स्कूल, फिर पता नहीं क्या हुआ मैट्रिक हो गया। अच्छा 10 साल लगाए मैंने पूरे। कितने? 10 मैट्रिक के लिए। जी जी। और तुमने 1 सेकंड में कह दिया अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सर बताए ना, अब जल्दी से कॉलेज में आ जाए। आराम से, इतनी जल्दी कॉलेज नहीं गया। 3 साल तक जो मेरे मुमतहन थे ना, वो मेरी तहरीरों से इख्तलाफ करते रहे। फिर सर? फिर क्या, फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल। समझ नहीं आ रही क्या कर रहा। जब मैं क्लिक के जाऊं, मतलब उनको मेरी तहरीर समझ नहीं आती थी कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो फेल करते। इंकर साहब बड़ा परेशान था मैं, मेरे खानदान की नाक झुकी जा रही थी, इतनी झुक गई कि ये नीचे वाली ना उठ इधर तक आ गई। डोंट टेल मी। ओहो। फिर मैंने अपने ख्यालात बदल दिया, मौकफ बदल दिया, पास हो गया। सर क्या तब्दीली लेकर आया? जो किताबें मैं इम्तिहान में लेके जाता था ना, वो बदल दी। मुमतहिन साहब का जो पब्लिशर रिश्तेदार था ना, जी जी, उसकी छपी हुई किताबें लेके गया, उसमें से लिखा, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं भी चले जाइए। पहला इलेक्शन कब लड़ा? और 21 से दंगल था मैंने जो लड़ा। सर एक और पिछले दिनों बड़ी आपके हवाले से खबर मशहूर हुई थी कि आप जिस खातून से मिलना शुरू करते हैं शादी करके छोड़ देते हैं उसे। छोड़ने के लिए शादी तो करनी पड़ती है। गोल।
एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको प्रोग्राम गोल गप्पे में। चौधरी अनीस पप्पा जहूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अब कॉलेज की बात कर ले। हाँ, वहां पर काफी साल गुजारे। सर कितने? अब कितने तो याद नहीं है मुझे, काफी साल गुजारे। मेरे साथ के जो लड़के थे ना वो प्रोफेसर बन गए, लेकिन मैंने अपनी जिद उसूल पसंदी उसके साथ ही खड़ा रहा डट के, हिला जुदा भी नहीं। बड़ा अच्छा माहौल था दोस्ताना माहौल, कॉलेज का जमाना माशाल्लाह लगा हुआ था। मेरा गला अक्सर खराब रहता था। सर गले खराब का माशाल्लाह से क्या ताल्लुक? और नारे लगाने पड़ते थे तो गला खराब तो होगा ना, बड़ी सख्ती थी भाई। हाँ, किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ डेंटिस्ट के सामने मुंह खोल सकते थे। तौबा तौबा, टिकटिकियां टोड़े सजाएं अल्लाह। उसी जमाने में पहली बार गिरफ्तार हुआ था मैं। वाओ, पहली सियासी गिरफ्तारी? बकवास, आवारागर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। आखिरी शो देख के आ रहा था फिल्म का, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब स्टूडेंट लाइफ यार, पैसे शैसे तो जेब में होते ही नहीं थे, ले गए पकड़ के। दो दिन तक कोई जब छुड़ाने नहीं आया तो उन्होंने कहा हम ही जान छुड़ा रहे थे, पुलिस बहुत समझदार है हमारी। सर खुलकर बताएं ना अपने इब्तदाई दिनों के बारे में। सर मैं कुछ बता रहा था जी, माफ करना यार, मैं मुतवज्जो नहीं था। नहीं सर, अब बता रहे थे हम कॉलेज तक पहुंचे थे गालिबन अभी। पहुंचे? हम तो यहीं बैठे, हम कहां से पहुंच गए? नहीं सर, कॉलेज की सियासत पे आप रोशनी डाल रहे थे थोड़ी सी मजीद। ओ एंकर साहब छोड़ दो यार, वैसे ही एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, रोशनी डालो। एक बात बताऊं, मैंने कॉलेज में सिर्फ दो चीजों में हिस्सा लिया, जुलूस और बायकॉट। आप जुलूसों का बायकॉट करते थे सर? फारिग है बिल्कुल भाई, कॉलेज की शक्ल नहीं देखी? देखिए सर, देखिए तो हमने तो क्लासों का बायकॉट किया ना। अब उन दिनों बायकॉट हमें इतना पसंद था कि हमारा जो फेवरेट क्रिकेटर था ना वो भी जैफ बायकॉट था, समझे? चलिए सर छोड़िए, यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप जाओ, चले जाओ बल्कि यूनिवर्सिटी, हम तो पहुंचे नहीं वहां तक। और वैसे मेरी आरजू थी मेरी पहुंचने की, लेकिन क्या कहते हैं हजारों आरजू ऐसी कि हर आरजू पे दुम निकले। सर वालिद के शेर का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। शेर कुछ यूं है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दम और दुम में फर्क होता है सर, आपने तो मेरा नाक में दम कर दिया सर। वाह वाह, बहुत ही अजीब आदमी है, नाक पे दम कौन करता है? दम को सर शुर पे नहीं होता ऐसे? खैर छोड़ो, तो बीए से पहले बिया हो गया, एक आध शादी खानदान में करनी पड़ती है ना हमें। लेकिन सर शादियों पे हम बाद में आते हैं। हाँ मैंने समझाया बड़ा घर वालों को, लेकिन वो बाज नहीं आए। सर बीए तो आपने डेफिनेटली पहली अटेम्प्ट में कर लिया होगा। ओ अच्छा, समझ गया, वही पुराना मौकफ आपका। अच्छा ये बताइए सर, नींद में चलने की आदत है? हम असेंबली में उठ उठ के इधर उधर नहीं घूम रहे होते भाई। नहीं सर, मैं स्लीप वॉकिंग की बात कर रहा हूँ, ये एक ज़हनी मर्ज़ है नींद में चलना। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तुमने सियासतदान समझ रखा है क्या मुझे? बीए में जब इंसान नाकाम होता है तो सर शौक लगता है, लगा होगा आपको भी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ओ भाई जब हम कॉलेज से निकलते थे ना तो कॉलेज के बाहर ये बड़ा बड़ा सर लिखा था कि नाकामी कामयाबी का जीना है, उसको पढ़ के तसल्ली होती थी कि हम फेल नहीं हुए, अभी जीना चढ़ रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात की है, नाकामी कामयाबी का जीना है। और मैं दरखास्त करूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि इस पे तालियां जरूर लगाएं। जज साहब पहला इलेक्शन कब लड़ा? यार मुझे इस बात से बड़ा इख्तलाफ होता है, इलेक्शन लड़ा और 21 से दंगल था मैंने जो लड़ा। इलेक्शन में कब हिस्सा लिया, कितना अच्छा लगता है। अच्छा बताएं, पूछें। अच्छा आपने पहली मर्तबा इलेक्शन में कब हिस्सा लिया? जब मैंने अपना हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो इलेक्शन जमाती नहीं थे, गैर जमाती तौर पर, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे मुल्क में रंग बिरंगी किस्म के इलेक्शन होते हैं, हर कोई अपनी जमहूरी किताब उठा के ले आता है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा हमने हिस्सा ले लिया इलेक्शन में, तो उस जमाने में हमें गैर जमाती इलेक्शन का सबक पढ़ाया जा रहा था। तो आप जीत गए थे सर? सारी जमातें हार गई थी, उम्मीदवार जीत गए थे, फिर हमें जमात का इलेक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया, जमात बना दी। वो कहते हैं ना, देते हैं सुरूर अव्वल, लाते हैं शराब आखिर। सही है, तो आप हिस्ट्री बयान करने लगे? हम तो हिस्ट्री शीटर हैं भाई इस मामले में। हाँ। और बात इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। मैंने जो इलेक्शन जीता तो मेरे मुखालिफ ने केस कर दिया, मामला अदालत में पहुंच गया, और तुम्हें पता जब वो वहां कोई चला जाता है तो फिर वो
चला गया तो अगला इलेक्शन लड़ा। अभी तो आप कह रहे थे कि लड़ा नहीं कहते। तो मैं सियासतदान हूं ना, मेरी मर्जी जो भी बोले। सॉरी सर, मेरा आपसा थोड़ा सा कमजोर है। फीस लेना तो नहीं भूलते होगे ना शोगी? नहीं सर, एडवांस ले लेता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ओहो, तो सियासत में आओ या क्या कर रहे हो? सर शुक्र है कि आपकी तरह हमारी आवाम का भी हाफजा थोड़ा सा कमजोर है। हाँ भाई, इसीलिए गुजारा हो रहा है हमारा भी, वरना। सर अच्छा ये बताइए कि 88 के जो इलेक्शन थे उसमें हारे थे या जीते थे? शानदार तरीके से हार गया था, दावली हुई थी ना, तो जहन पे तो असर पड़ा होगा ना? और नहीं, जहन में नहीं, जेब पे जरा असर पड़ा था। पिछला कर्जा ही नहीं उतरा जो उधार लिया था मैंने। 2000 का 2000 कहे ना, 2000 जैसे कितना अच्छा, जैसे मांग रहा हूँ। बात कर रहे हैं आप यार, क्या दौर था 2000 का, सुनहरी तरीन दौर है। और हमारे वो अजीज वजीर आजम शौकत अजीज, क्या बात है उनकी। सर सर शौकत अजीज साहब से याद आया, कहाँ है वो आजकल? हमारे वजीर आजम कहाँ होते हैं? हाँ, या तो ऊपर होते हैं या बाहर होते हैं। वो तो आए ऊपर से थे इसलिए बाहर। ओ, बड़ा जब्त है वैसे सर आपने। हाँ जी, इसीलिए अक्सर हमारी जमानत ही जब्त हो जाती थी। सर बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, खुद को कहाँ देखते हैं सर? दूर फुटे मुंह। और मतलब इतना सीनियर सियासतदान तुम्हारे सामने बैठा है, उसको तुम कौंसलर बनाने चले हो? सर नहीं सर, मेरे बनाने से क्या होता, अगर मुझे बनाना होता तो आपको अच्छा इंसान ना बना देता। मतलब इतना अरसा तुम्हारे साथ बैठ के बात की है तो तुमने मुझे दायरा इंसानियत से बाहर निकाल दिया। सर आवाम की हालत देखें, क्या हशर हो रहा है गरीब आवाम का। और क्या बात कर रहे हो, क्या हशर हो रहा है? और हशर तो हमारा हो रहा है, बेड़ा गर्क तो हमारा हो रहा है, और हर आदमी तो हमारे पीछे लगा हुआ है। नैब हमारे पीछे लगी हुई है, FIA हमारे पीछे लगी हुई है, FBR हमारे पीछे लगी हुई है। क्या इतना कोई अवाम के पीछे लगे, क्या हाल है उनका बताओ? अवाम का हाल देखो और हमारी फिक्र तो करो। क्या क्या मुसीबत नहीं होती हमारे साथ, किसको बताओ अपना दुख जाके। अच्छा चल जाए सर, छोड़े सर, रोना बंद करें ना सर। दुआ करेंगे हम के आप इन मसलों से बाहर निकले और गरीब आवाम को सोचेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? नजर नहीं आ रहा, खुशबू लगा रहा हूँ। अरे सर ना लगाए ना, स्क्रीन पे खुशबू नहीं आती है। आती है, अरबाज के साथ आती है। अच्छा सर छोड़े ना सर, एक और पिछले दिनों बड़ी आपके हवाले से खबर मशहूर हुई थी कि आप जिस खातून से मिलना शुरू करते हैं शादी करके छोड़ देते हैं उसे। छोड़ने के लिए शादी तो करनी पड़ती है। अरे वाह। अच्छा ये बता, शो की रेटिंग वेटिंग आ रही है कि नहीं? सर अभी तक तो आ रही है, आपके आने से पहले। अब भी आएगी? नहीं आए तो बताओ, मैं बात करूँ कहीं आए। सर आप बता रहे थे कि खान साहब से आजकल मेल मिलाप आपका बढ़ रहा है, कहीं सफेद लग जाइए ना सर, कोई सिफारिश करवाइए तगड़ी थी। यार मसला ये ना, पहले ये पार्लियामानी बार बूढ़ चले जाया करते थे तो हमारा भी तुक्का लग जाया करता था। इसी तरह बनते हैं ना ताल्लुकात। अब देखो खान साहब को सारे मामला खुद ही देख रहे हैं। लेकिन सर ये जो सफारती महाज है उस पर तो बहुत काम कर रहे हैं आजकल। कोई और बात करनी है, मैं जाऊँ? नहीं सर, सर मुझे तो ये भी लगता है कि आवाम जो है ना अपोजिशन से भी खुश नहीं है। क्या बात कर रहे हो, जलसे नहीं देखे अपोजिशन के? अरे सर वो तो आबादी इतनी हो गई है कि हर सियासतदान समझता है कि उसका जलसा कामयाब हो गया। नहीं अब ऐसी बात भी नहीं था, आवाम थोड़ी सी ना थोड़ा कंफ्यूज्ड है। क्यों सर? यार आप खुश हो ना खुश हो, कंफ्यूज्ड हो, आपकी मर्जी है ना। इसी तरह आवाम की मर्जी है, वो कंफ्यूज्ड है, बस खत्म बात। सर ये जमहूरियत के लिए नेक शुगर नहीं है। अमेरिका को देखा सर, कितना जबरदस्त टर्न आउट रहा है, कोरोना के बावजूद वोट डले 60%। यार तुम लोगों के पास कोई काम नहीं, खड़क करके अमेरिका पहुंच गए हो। और इधर की बात करो भाई, उधर तो ट्रम्प ने भी इल्जाम लगा दिया था धांधली का। मुझे तो शक है कि एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम ना लग जाए हमारी। सर हमारा क्या लेना देना उसे? तो हम क्या कर रहे होते हैं, सारे इल्जाम किस पे लगाते हैं? अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, तो वो हम पे ही लगा सकते? बात तो ठीक है, वैसे हम अमेरिका की मिसालें दिया करते थे, तो वहां भी पंडोरा बॉक्स खुल गया सर। यार इधर ही की बात करो, छोड़ो तुम सब चीजें। सर वैसे हमारे यहाँ तो पिछले कई सालों से हर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, तसलसल तो जारी है ना सर जमहूरियत का। हाँ, बीच में से वजीर आजम बदल देते हैं हम, है या नहीं? गिलानी साहब गए तो राजा परवेज शरफ साहब आ गए, मियाँ साहब गए तो शाहिद खाकान बाजी साहब आ गए। सर वैसे इन हाउस दिल्ली के चांसेस है? अब जाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो क्या कहा है किसी ने खूब, के पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। नहीं सर शेर खराब करें, पवस्ता रहे। मेरी मर्जी यार। चलिए ठीक है, कैसे होगी जब मैं ये चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में सारे लोग रहें
और तब्दीली जो है वो बाहर से हो, खत्म। चौधरी अनीस पापा साहब हमारी जहूर जहूर सॉरी चौधरी अनीस पापा जहूर साहब हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए और आप इसी तरह मुल्क को काम की खिदमत करते रहें। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है, इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जरूर देखते रहिए गोल गप्पे। इधर से इशारा नहीं किया? नहीं। हो गया खत्म, कट हो गया। हाँ सर। हाँ वो पिछले दिनों ना सहाफियों को उन्होंने बांटे प्लॉट। अच्छा। मेरा नाम किसी लिंक काट दिया ना, तू है सर पर मैं एप्लीकेशन लाया हुआ था, मुझे पता था आज आपने आना है। ओ ये हो जाएगा, फिक्र ना सर, हो जाएगा ना। हाँ सर ये एक कनाल का है सर। ओहो दो कनाल करा दूंगा मैं। ना करें सर, खुदा की कसम हम ऑनियर है। ऑनियर क्या लिखते हो यार तुम लोग, ये पकड़ो ये क्या दे दे उठा के चीजें। कौन है भैया, माइक शेक निकालो अपना, कहा है सजेगी डुक डुकी नित नई बजेगी, रोज नए मेहमान होंगे सारे अपनी जान होंगे, जसके बसके सारे मस्के कौमे।